अगर आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में है और अभी तक आपको आवास का लाभ नहीं मिल पाया है तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए ही आपको अपने पूरे डिटेल्स को देखने के लिए मिलता है। सो उस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हम अपना एफटीओ नंबर को किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि एफटीओ नंबर से पेमेंट का पूरे लिस्ट निकाला जा सकता है कि आपका पैसा कहां तक आया है या आपका पैसा कब तक आएगा। सो आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना एफटीओ नंबर को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना एफटीओ नंबर को पता करने के लिए अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आप यहां टाइप करेंगे pmay.nic.in, इतना लिखेंगे तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चला आएगा। यहां पे आने के बाद अगर एड्स आता है तो आप यहाँ पर टच करके इसको कट कर लेंगे। इसके बाद आप इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाएंगे और इसको यहाँ से डेस्कटॉप सेट पर कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर आवास सॉफ्ट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर से दूसरे नंबर आप रिपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा, इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाएंगे। देन थोड़ा और इसको नीचे ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे SECC रिपोर्ट्स में 4 नंबर में कैटेगरी वाइज SECC डेटा वेरिफिकेशन सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आप इसको यहां ऑल स्टेट का ऑप्शन मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को ये पता होता है लेकिन जो नए लोग हैं उनको पता नहीं होता है, इसलिए यहाँ तक बताया जाता है। सो आप यहां अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से उसके नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपका ज़िला रहेगा। उसके बाद फिर से आपको और एक सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आपका प्रखंड रहेगा अपने प्रखंड को यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर से आपको एक सिलेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका पंचायत रहेगा अपने ग्राम पंचायत को आप यहां से चूज़ कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको सबसे नीचे कैप्चा मिल जाएगा, सो जितना भी कैप्चा में आएगा आप उसको देख लेंगे, माइनस रहे या प्लस रहे जितना भी होगा आप यहां टाइप कर लेंगे। कैप्चा टाइप करने के बाद आप यहां सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पंचायत में से जितने भी लोगों का नाम आवास की सूची में रहेगा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इस सूची में आपको नए पुराने सभी लोगों का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इस सूची में अपना नाम देख लेंगे। नाम देखने के बाद यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर लेंगे। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरे डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे हाउस स्टेटस, इसी तरीके से यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। आप इसको थोड़ा और स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर शीट डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कितनी किस्त मिली है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा और किस साल में मिला वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एफटीओ डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे 4थे नंबर पर एफटीओ नंबर देख सकते हैं। सो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका एफटीओ नंबर कितना है। एफटीओ नंबर पता करने के बाद इसको किस तरीके से ट्रैक करना है और किस तरीके से पता लगाना है कि पैसा कहां तक आया है और कहां पे रुका हुआ है, इसका कंप्लीट वीडियो पहले बना चुका हूं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।